बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 मार्च हमारे लिए तजदीद एहद का दिन है और तमाम कौम को 23 मार्च यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमने ये वादा करना है अपने आप के साथ कि हमने अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है। इसके लिए हम तमाम बूढ़ों को, बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन और हज़रात को मिलकर मेहनत करना होगी और अपने बच्चों को मियारी तालीम देकर उन्हें तरक्की की राह पे गामजन करना होगा और अपने फ्यूचर को इंशाल्लाह महफूज बनाना होगा। इसके अलावा कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसका मुकाबला करने के लिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद करें और समाजी फासला यकीनी बनाएं और अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को भी इस तरह महफूज रखें। इसके साथ तमाम लोगों को मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने सफ़ों में एहतियात पैदा करें और मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए काम करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और यहाँ पे जितने भी माफियाज हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, उनको हम उनका कलाकामा करें और उनके खिलाफ घेरा तंग करें। बहरहाल तमाम कौम को बहुत मुबारक हो और हमने मिलकर इंशाल्लाह आगे बढ़ना है और अपने मुल्क का मुस्तकबिल इंशाल्लाह महफूज बनाना है।